2005 superstructure started, till 100 completed from the earth to sky. So a new ride. अभी हम आउटस्कर्ट्स में ही करेंगे. हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल. आई होप आप सब लोग ठीक होंगे, मस्त होंगे. और आज है डे टू और अभी मैं जा रहा हूँ बुर्ज खलीफा. वहाँ पे बुकिंग है टॉप फ्लोर की, तो लेट्स गो. गाड़ी एक हमारे फ्रेंड ही हैं तो उनकी गाड़ी आज, तो इसलिए हमें कैब नहीं करनी पड़ेगी. तो अभी चलते हैं, सीधा गाड़ी देखते हैं और फिर चलते हैं सीधा बुर्ज खलीफा. तो यार ये है हमारा बैक साइड होटल का और यहाँ पे मस्जिद है और ये है हमारी गाड़ी. तो चलते हैं सीधा बुर्ज खलीफा और देखते हैं वहाँ पे. और ये देखो, सो लेट्स गो. एंड वी रीच्ड दुबई मॉल. अब यहाँ से है हमारी बुर्ज खलीफा की एंट्री. उसके लिए अभी हमें लॉबी से जाना पड़ेगा क्योंकि बाहर से काफ़ी गर्मी है. तो दे सेड कि दुबई मॉल से एंट्री कर ले. और अभी हम जा रहे हैं नीचे क्योंकि अभी हम आ चुके हैं फिफ्थ फ्लोर पे. तो अभी जा रहे हैं नीचे और तो वहाँ से लॉबी में एंट्री करके फिर हम जाएंगे बुर्ज खलीफा. तो भाई दुबई मॉल थर्ड टाइम आ रहा हूँ लेकिन स्टिल इतना बड़ा है कि अब समझ नहीं आ रहा. दो तीन लोगों से पूछ तो लिया कहाँ से जाना है, बट स्टिल अभी पूछ पूछ के जाना पड़ रहा है. लेट्स सी, अब फिर से पूछना पड़ेगा किसी से क्योंकि हमें रास्ता मिल नहीं रहा. तो भाई हमें आधा घंटा तो हो गया ढूंढते हुए, पूछ पूछ के जाके भी फिर भी हमें अभी मिल नहीं रहा था. थैंक गॉड हम एक घंटा पहले आ गए थे. तो अभी किसी से पूछ के पता तो चल गया है ऑलमोस्ट कि वो स्ट्रेट है यहाँ से. तो अभी चलो चलते हैं, पहले वहीं पे पहुंचते हैं और फिर आगे कंटिन्यू करते हैं. तो फाइनली आफ्टर 30 मिनट्स घूम फिर के हमें फाइनली मिल चुका है बुर्ज खलीफा काउंटर जो है, टिकट काउंटर. तो ये है वो, अब यहाँ से टिकट दिखाते हैं और फिर चलते हैं आगे. सो वी केम फ्रॉम VIP लाइन, टिकट्स आर चेकिंग. सो हियर इज द टिकट at the top, Burj Khalifa, valid for one admission. So let's go. Here's the entry, Sky Lodge. So this is the waiting area. This is the lift and this is the lift. That is for top floor and this is for 127th floor. तो अभी वेट कर रहे हैं, जब सब आ जाएंगे तो आगे हम चलेंगे ऊपर. शॉर्ट ब्रीफिंग ऊपर जाने से पहले. Earth to sky. Now this is the place जहाँ से हम टॉप पे देखते हैं. तो यहाँ से फोर फ्लोर जो हैं वो सारे दिखते हैं. लेट्स सी अगर कैमरा में आपको दिख पाता तो. चलो अब ऊपर जाके पास देखते हैं. Flower was there. 58 meters across Earth is
दिस इज द डिटेल, ये किस ईयर में बना था, 2005 सुपरस्ट्रक्चर स्टार्टेड एंड 2006 लेवल 50 तक कंप्लीट हो गया था एंड 2007 लेवल 100 कंप्लीटेड but already holding one of its initial record Guinness. Tallest freestanding structure of the world. Please, let's continue because this gets more interesting. By 2009, Moscow 2007. Finished with a 200-meter complex spire, which is the top. 2008, 160 level, world's largest man-made structure, and 2009, completion of spire. Why that day? Because the 4th of January 2010, my dear guest, will make it coincide with the 4th year anniversary of the accident. How they started the construction from 2004, they completed all floors 160 to 828 meters. This is year-wise. Yeah. The Burj Khalifa was completed. Excuse me. Sir, it's closed. Don't open by sir. So they are the people who are going to 127th floor tak ja rahe hain, and we are going top. VIP pass. First we will be going to 125, then up, उसके बाद ऊपर. First we'll be going to 148th floor, then 153. पहुंच चुके हैं टॉप फ्लोर पे. अभी मतलब टॉप नहीं है, 148 फ्लोर है, इसके ऊपर अभी जाना है हमने. तो यहाँ से आपको व्यू चेक करवाता हूँ. जस्ट लुक एट द व्यू. सारा दुबई दिखता है यहाँ से. तो अभी ऊपर जाएंगे, फिर ऊपर से आपको एक बारी ऊपर से भी चेक करवाएंगे. यहाँ से अगर ऊपर देख रहे हो अभी तो काफ़ी ऊपर है. तो चलो ऊपर चलते हैं और फिर चलते हैं नीचे और कुछ खाना भी, क्योंकि ब्रेकफास्ट भी नहीं करा हुआ, जल्दी जल्दी भी निकला था. और अभी कुछ खाते हैं नीचे जाके और फिर आगे कंटिन्यू करते हैं. दिस इज द इंटीरियर 148 फ्लोर पे. सो दिस इज़ 153rd फ्लोर, जो टॉप फ्लोर है बुर्ज खलीफा का, ये है वो. और ये व्यू चेक करो यार.
This is the sitting area, top floor pe. This is the view. Pura 360 view. और एक छोटी सी मार्केट है 125th फ्लोर पे, जो यहाँ पे ओपन है. यहाँ पे आप की चेन्स, कपड़े, कैप्स एंड बहुत कुछ है जो आप ले सकते हैं यहाँ से. लेकिन ये बहुत एक्सपेंसिव है, वो अलग बात है. यहाँ से छोटा सा छोटा की चेन भी 2000 या 2500 रुपये से स्टार्ट होता है. और ये है यहाँ का माइक्रोस्कोप. ये कुछ व्यू है यहाँ से आके, छोटा व्यू है. अब ऊपर से इतना आके देखा तो यहाँ पे तो छोटा लगेगा ही. और ये मार्केट है. चलो लेट्स गो नाउ. सो दिस इज द वीआर एक्सपीरियंस आई एम गोइंग टू डू नाउ. दिस इज द वीआर एक्सपीरियंस. सो दैट्स अ टिकट. हाउ विल बी द एक्सपीरियंस? How will be the experience? So let's see. भाई वी आर एक्सपीरियंस कर लिया, बट इतना एक्सपेक्टेड नहीं था, क्योंकि जितना एक्सपेक्टेड था उससे बहुत कम था. ये तो नॉर्मल हमारे जम्मू में भी इतना वी आर एक्सपीरियंस हो जाता. तो चलो अब चलते हैं नीचे और लंच करते हैं जाके. देख लिया जो देखना था, कुछ लिखा था और आपको भी दिखा दिया. अब चलते हैं और नीचे लंच करते हैं और फिर आगे कंटिन्यू करते हैं. तो भाई यहाँ पर क्राउड चेक कर सकते हो. यह है दुबई मॉल की एंट्रेंस और ये है बुर्ज खलीफा. और ये क्राउड चेक करो. यहाँ पे होने वाला है फाउंटेन शो, दुबई फाउंटेन शो, जिसके लिए इतना क्राउड है यहाँ पे. अभी आपको दिखाते हैं यहाँ से फाउंटेन शो. डायरेक्ट
a new ride to the restaurant. नामोस। सो ये है नामोस, द बेस्ट दुबई रिजॉर्ट, बीच रिजॉर्ट आई गेस। लेट्स सी अब इंटीरियर कैसा है और खाना कैसा है इसका। नामोस दुबई। This is the beach resort plus beach restaurant. गर्मी तो बहुत ज़्यादा है यार। अच्छी अब कहाँ हम लंच करते हैं, अभी हम आउटस्कर्ट्स में ही करेंगे। तो ये है यार फुल व्यू। ये रेस्टोरेंट की ही प्रॉपर्टी है, अगर आपको अंदर लंच करना, अंदर भी कर सकते हो, बाहर भी कर सकते हो और यहाँ भी कर सकते हो। और ये पूरा जहाँ तक फेंसिंग है, ये एरिया पूरा इनके अंडर आता है, तो जो भी दुबई आता है वो यहाँ पे विज़िट कर सकता है। बहुत अच्छी प्रॉपर्टी है और गर्मियों में तो बस यही चाहिए होता है, और तो कुछ चाहिए नहीं यहाँ पर। तो चलो अभी लंच करते हैं और फिर निकलते हैं और फिर नेक्स्ट लोकेशन पर चलते हैं और आपको बताते हैं। इसको देख के तो यार अपने वाले की याद आ गई, फुल रेड बट थ्री डोर में। तो भाई इतनी गर्मी थी कि लंच करके रूम पे जाके सो गए और अभी उठे हैं, तो अभी डिनर है लेकिन हमें अभी क्रूज़ नहीं मिल रही हमारी। 10-15 मिनट हो गया हमें ढूंढते हुए, अभी आगे आगे चल रहे हैं। लेट्स सी अभी जाके पहले ढूंढते हैं और फिर आपको भी दिखाते हैं। सुबह शाम रात हर जगह इतना क्राउड होता है और फाइनली मिल चुकी है हमें। ये रही हमारी क्रूज डिनर एक्सक्लूसिव याज, नॉट फर्स्ट वन द सेकंड वन। तो चलते हैं और देखते हैं कि हमारा टेबल नीचे है कि ऊपर है, अपर डेक है कि लोअर डेक है। लेट्स सी, फिर आपको पूरा एक टूर करवाते हैं। तो कुछ आधे घंटे के बाद हमें मिला यहाँ से और ये बोर्डिंग पास हमने ले लिया हुआ है और अभी जा रहे हैं सीधे याच पे। और ये व्यू है, अभी चलते हैं सीधा याच पे और फिर आपको दिखाते हैं व्यू ऊपर से, क्योंकि हमारा है अपर डेक। तो लेट्स गो। दिस इज द व्यू इनसाइड एंड हमारी है ऊपर, वी गोइंग अपस्टेयर्स। थैंक यू। टेबल नंबर 10। नंबर 10। Look at the beauty here.